दोस्तों, मैं देव जुनेजा आज फिर आपके सामने अपनी तीसरी वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग की लेकर के आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम ऑलरेडी दो वीडियोज आपसे शेयर कर चुके हैं और अपनी दूसरी वीडियो में मैंने आपसे बेसिक नॉलेज के बारे में बात करी थी, है ना। अभी लॉकडाउन चल रहा है इस समय, जैसा कि आप सब जानते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि इन वीडियोज के माध्यम से आप घर बैठे इंग्लिश स्पीकिंग, जो कि एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, आप उसका सही उपयोग कर सकते हैं और इन वीडियोस के जरिए अपनी स्पीकिंग नॉलेज को गेन कर सकते हैं और अपने करियर को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। इसी के साथ आइए अपनी हम तीसरी वीडियो, जो हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए अपनी तीसरी वीडियो को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन स्पीकिंग इंग्लिश को सीखने के लिए हमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, हमारे लिए एक बहुत इजी काम है। हमें करना सिर्फ इतना ही है कि समय को पहचानना है। अगर समय को हम इजीली पहचान लेते हैं तो हम एक बेहतर स्पोकन इंग्लिश हम बोल सकते हैं, जिससे हमें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ हमें समय को पहचानना है। जैसे कि मैंने कल आपसे बात करी थी अपनी वीडियो में कि एक एक्शन ले लेते हैं, एक काम ले लेते हैं, खेलना। अब खेलने को बोलते हैं प्ले। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात के ऊपर, मैं खेल रहा हूं, मतलब खेलने का काम मेरी जिंदगी में चल रहा है। मैं खेल चुका हूं, मैंने खेलने का काम कर लिया है। मैं खेलता हूं, मैं ये काम रोज करता हूं। मैंने खेला था, मैंने ये काम किया था, और मैं खेलूंगा, मैं ये काम करूंगा। अभी यहां पर काम तो एक ही है, कॉमन क्या है? यहां पर कॉमन है खेलना, जो काम एक ही है। अनकॉमन क्या है? जो चीज स्थिर नहीं है वो क्या है? टाइम, समय बदल रहा है। एक शब्द है नाचना, नाचने को बोलते हैं डांस। मैं डांस कर रहा हूं, यानी कि डांस करने का काम मेरी जिंदगी में चल रहा है। मैं डांस कर चुका हूं, मैं ये काम कर चुका हूं, मैं डांस कर चुका हूं, मैं डांस करता हूं, मैं ये काम रोज करता हूं। डांस मैंने किया था, मैंने ये काम किया था पास्ट में, और मैं ये काम करूंगा, डांस में करूंगा। अभी समय तो एक ही है, सॉरी समय बदल रहा है, काम को एक ही, डांस करना, उसका समय क्या हो रहा है? बदल रहा है। अगर हम समय को पहचान लें तो हम बेहतर इंग्लिश बोल सकते हैं। मैंने आपसे कल उस लाइफ के बारे में बात करना शुरू किया था जब कोई भी काम जिंदगी में चल रहा है। बहुत सारे काम है जो इस समय मैं कर रहा हूं, बहुत सारे काम है जो इस समय आप कर रहे हैं। मैं इस समय क्या कर रहा हूं? बैठा हुआ हूं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, अपनी बातों को आपको समझा रहा हूं, इस वीडियो को आप लोगों के लिए बना रहा हूं, ठीक है, चीजों को बोल रहा हूं, देख रहा हूं। बहुत सारे काम आप लोग कर रहे हैं, आप इस समय बैठे हैं, लेटे हैं, सुन रहे हैं, खड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, नॉलेज को गेन कर रहे हैं, तो बहुत सारे काम आप लोग कर रहे हैं। मैंने आपसे कल बात करी थी, जब भी कोई भी काम जिंदगी में हमारी लाइफ में चल रहा होता है तो एक्शन, काम, काम को बोलते हैं वर्क, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, और वर्क को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्शन। वर्क को हम लोग बोलेंगे एक्शन, ठीक है ना। जब भी कोई भी काम, यानी काम को बोलते हैं वर्क, वर्क को बोलते हैं एक्शन। जब भी कोई भी एक्शन मेरी या आपकी जिंदगी में चल रहा होगा, वहां पर एक्शन में एक फॉर्म आती है, जो मैंने आपको पहले अपने सेकंड वीडियो में बताया था, वो फॉर्म है आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म एक्शन में आ जाती है। अगर कोई भी वर्क में, कोई भी एक्शन में अगर आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, तो यह बहुत बड़ी पहचान है कि एक्शन जिंदगी में चल रहा है। आईएनजी एक पहचान है कि कोई भी काम जिंदगी में चल रहा है। सपोज कर लीजिए, एक शब्द है खेलना, खेलने को बोलते हैं प्ले। आइए हम पांच शब्दों को लेते हैं, एक्शन को लेते हैं। एक शब्द है प्ले, ठीक। अब हम प्ले में कैरम लगा सकते हैं, और बहुत सारे गेम है, कैरम हो गया, चेस हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया। लेकिन आजकल आउटडोर गेम्स को अवॉइड करिएगा और इंडोर गेम्स को आप लोग कहना एक्सेप्ट करिएगा, क्योंकि लॉकडाउन के चलते आपको बाहर नहीं निकलना है। जैसा कि आपको बताया गया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि आपको घरों में ही रहना है, तो आपको आउटडोर गेम्स को अवॉइड करना है। तो हम कैरम, कैरम एक इंडोर गेम है, हमने कैरम को ले लिया, प्ले कैरम। अब सपोज कर लीजिए, कैरम खेलना, अगर ये काम जिंदगी में मेरी या आपकी या किसी की जिंदगी में भी अगर चल रहा है, तो प्ले का क्या हो जाएगा? आईएनजी आ जाएगी और हो जाएगा प्लेइंग, ठीक। जैसा कि आप जानते हैं, अब हम यहां पर एक्शन एक और लेते हैं, दूसरा एक्शन लेते हैं हम राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। अब सपोज कर लीजिए कि लिखने का काम
अगर आपकी मेरी या किसी और की जिंदगी में चल रहा है तो लिखने को बोलते हैं राइट, WRITE, राइट। अगर लिखने का काम अगर मेरी आपकी या किसी की जिंदगी में चल रहा है तो राइट का क्या हो जाएगा, राइटिंग, ING आ जाएगी। एक हम एक्शन ले लेते हैं, कब देखिए, मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था सेकंड वीडियो में कि खाने को बोलते हैं ईट और पीने को बोलते हैं ड्रिंक, लेकिन यहां पर एक उससे अच्छा वर्ड वोकैबुलरी और है जिसको हम बोल सकते हैं टेक। हम खाने और पीने के लिए टेक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई भी चीज खानी हो पीनी हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हम बोलते हैं ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, आप ड्रिंक की जगह टेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिज्जा खाना, खाने को बोलते हैं ईट, हम ईट की जगह टेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और टेक से अच्छा एक और वर्ड भी है, वो आपको मैं अपनी अगली वीडियोस में जरूर दूंगा। तो हम खाने पीने के लिए, दोनों के लिए, चाहे खाना हो चाहे पीना हो, हम टेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम टेक पिज्जा, हम पिज्जा की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, यानी कि पिज्जा खाना। ये हमारे तीन एक्शन हो गए, हम दो एक्शन और लेंगे। एक एक्शन ले लेते हैं सिंग। सिंग का मतलब होता है गाना, SING, सिंग। सिंग मतलब गाना, कुछ भी गाना, भजन गाना, गाना सॉन्ग गाना, तो गाने को बोलते हैं सिंग, ठीक है। हम एक्शन एक बोल लेते हैं और साथ ही में एक हम लास्ट एक्शन लेते हैं और वो लेते हैं रीड। रीड का मतलब RED, रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना, कोई भी चीज पढ़ना, अखबार पढ़ना, कॉमिक्स पढ़ना, कुछ भी पढ़ना, उसको बोलते हैं रीड। तो अगर सपोज कर लीजिए रीड, अगर ये काम जिंदगी में मेरी आपकी या किसी की जिंदगी में चल रहा है तो उसमें ING आएगी और रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग। टेक पिज्जा, अगर पिज्जा खाने का काम किसी की जिंदगी में, मेरी आप या किसी की जिंदगी में चल रहा है तो टेक का क्या हो जाएगा, टेकिंग, ING आ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ING पहचान है जब काम जिंदगी में चल रहा है। तीसरा है आपका प्ले कैरम, अगर कैरम खेलने का काम मेरी आपकी या किसी की जिंदगी में चल रहा है तो प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। राइट, लिखना, अगर लिखने का काम मेरी आपकी या किसी की जिंदगी में चल रहा है तो राइट का हो जाएगा राइटिंग। और पांचवा एक्शन आपका सिंग, यानी कि गाना, अगर गाने का काम कोई भी कर रहा है, आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, या कोई तीसरा व्यक्ति कोई भी कर रहा है, तो वहां पर सिंग का हो जाएगा सिंगिंग, क्योंकि ING पहचान है किसी भी एक्शन में, अगर कोई भी काम चल रहा है किसी भी एक्शन में अगर ING लगी हुई है इसका मतलब काम जिंदगी में चल रहा है। अब मैंने आप लोगों से कल अपनी पहली वीडियो में दूसरी मैंने बात करी थी आई के बारे में, मैं कौन हूं, आई, आप अपने लिए कौन है, आई, और मैं अपने लिए कौन हूं, आई, और आई का वर्ड कौन सा आता है, एम। जब भी कोई भी काम जिंदगी में चल रहा होगा एक्शन में आएगी ING, मैं हूं आई, और आई का वर्ड आएगा एम, ठीक है ना। अब ये एम क्या है, इसको मैं जब आपसे क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब मैं आपको समझाऊंगा कि ये एम है क्या। तब तक के लिए हम पढ़ते हैं, आई का वर्ड आएगा एम और एक्शन में आएगी ING। सपोज कर लीजिए रीड, अगर पढ़ने का काम मैं कर रहा हूं, मैं अपने लिए आई हूं और आप अपने लिए आई हैं, अगर पढ़ने का काम मैं कर रहा हूं या आप कर रहे हैं तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, आई एम, और रीड का हो जाएगा रीडिंग, तो क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग। टेक पिज्जा, अगर पिज्जा खाने का काम मैं कर रहा हूं या आप कर रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, आई एम, टेक हो जाएगा टेकिंग, यानी कि आई एम टेकिंग पिज्जा। अगर प्ले कैरम, कैरम खेलने का काम मैं कर रहा हूं या आप कर रहे हैं अपने लिए तो वहां पर क्या हो जाएगा, आई एम प्ले को आ जाएगा प्लेइंग, आई एम प्लेइंग कैरम। राइट, लिखना, अगर लिखने का काम मैं कर रहा हूं या आप कर रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, आई एम राइटिंग। सिंग, गाना, अगर गाने का काम मैं या आप कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आई एम सिंगिंग। अब लेकिन ये तो बात होगी मेरी, आई की, सोच के देखिए सारे काम मैं ही कर रहा हूं, नहीं, आप भी तो कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी आप अपने लिए आई है और मैं अपने लिए आई हूं, लेकिन आप मेरे लिए कौन है या मैं आपके लिए कौन हूं, आप मेरे लिए हैं यू, ठीक है ना। मैं अपने लिए आई हूं और आप मेरे लिए यू हैं, आप अपने लिए आई हैं और मैं आपके लिए यू, ठीक है ना। और काम को दो नहीं चार लोग करते हैं, मैं करता हूं, आप करते हैं। अगर मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में तो या तो वो मेल है या तो वो फीमेल है। अगर वो मेल है तो वो हमारे लिए कौन हो गया, ही। अगर वो फीमेल है तो वो हमारे लिए कौन हो गई, शी। तो काम को करते हैं चार लोग, मैं करता हूं, आप करते हैं, ही करते हैं और शी करती है। अगर सपोज कर लीजिए कोई भी आपका मेल पर्सन है, अगर मैं आपसे, मैं और आप बात कर रहे हैं किसी मेल पर्सन के बारे में, चाहे वो आपके पापा हुए, मेरे पापा हुए, आपकी मम्मी हुई, मेरी मम्मी हुई, सपोज कर लीजिए अगर वो मेल है तो वो ही है, अगर वो फीमेल है तो वो शी है। एक्शन में ING तो आनी ही आनी है, चाहे वो आपके लिए हो, चाहे वो मेरे लिए हो, चाहे वो किसी ही के लिए हो, चाहे वो शी के लिए हो।
क्योंकि वो पहचान है कि काम जिंदगी में चल रहा है, चाहे मेरी, चाहे आपकी, चाहे ही की, चाहे शी की। आई का वर्ड आता है एम, और जब बात करेंगे यू की तो यू का वर्ड आएगा आर, ही और शी का वर्ड आएगा इस। एक्शन में आएंगी तो आनी आनी है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आई का वर्ड आएगा एम, यू का वर्ड आएगा आर, ही का वर्ड आएगा इस और शी का वर्ड आएगा इस। एक्शन में आती है आईएनजी, जब काम जिंदगी में चल रहा है। मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, कोई ही कर रहा है या शी कर रही है। रीड यानी कि पढ़ना, अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग। आप ये काम कर रहे हैं, यू आर रीडिंग। सपोज कर लीजिए कोई आपके भाई का दोस्त आपके घर पे आया और उसने पूछा आपसे कि भाई तुम्हारा भाई कहां पे। अब आप और जो भाई का दोस्त आया है, आप लोग आपस में कौन हुए, आई और यू। भाई कौन हुआ, वो मेल है, तो क्या हो गया, ही। आप अगर उसको बताओगे कि वो पढ़ रहा है तो कैसे बताओगे, ही इज रीडिंग। और बहन आई, बहन की को फ्रेंड आई तो क्या बोलोगे, शी इज रीडिंग। सपोज कर लीजिए टेक पिज्जा, अगर मैं पिज्जा खा रहा हूं तो आई एम टेकिंग पिज्जा, आप पिज्जा खा रहे हैं, यू आर टेकिंग पिज्जा। आपकी फैमिली में कोई आपका दोस्त या भाई कोई खा रहा है या पापा खा रहे हैं तो ही इज टेकिंग पिज्जा, कोई सिस्टर खा रही, मम्मी खा रही है तो शी इज टेकिंग पिज्जा। प्ले कैरम, कैरम खेलना, अगर मैं कैरम खेल रहा हूं तो आई एम प्लेइंग कैरम, आप कैरम खेल रहे हैं तो यू आर प्लेइंग कैरम, कोई आपके फैमिली में आपका भाई या पापा खेल रहे हैं तो ही इज प्लेइंग कैरम, मम्मी या सिस्टर खेल रही है तो शी इज प्लेइंग कैरम। राइट यानी कि लिखना, अगर मैं लिख रहा हूं, मैं लिखने का काम कर रहा हूं, काम जिंदगी में चल रहा है, तो आई का वर्ड आता है एम, आई एम राइटिंग। आप लिख रहे हैं, यू का वर्ड आता है आर, यू आर राइटिंग। कोई थर्ड पर्सन लिख रहा है आपकी फैमिली में, भैया पापा को लिख रहा है, पापा कौन है, ही का वर्ड आता है इस, ही इज राइटिंग। और मम्मी या सिस्टर लिख रही है तो वो कौन है, शी, और शी का वर्ड भी आता है इस, तो शी इज राइटिंग। सिंग गाना, अगर मैं गा रहा हूं तो आई एम सिंगिंग, आप गा रहे हैं यू आर सिंगिंग, कोई फैमिली में व्यक्ति गा रहा है आपके पापा या भैया तो ही सिंगिंग, और सिस्टर सिस्टर या मम्मी गा रही है तो शी सिंगिंग। ठीक है ना, आई का वर्ड आएगा एम, यू का वर्ड आएगा आर, ही का वर्ड आएगा इस और शी का वर्ड आएगा इस। एक्शन में आती है आईएनजी, वो तो आनी ही आनी है क्योंकि काम जिंदगी में चल रहा है। तो ये आपके हो गए सारे आंसर्स, मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, ही कर रहे हैं, शी कर रही है। अब आपको करना क्या है, इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास जो दिन में समय बचा है आपको करनी है प्रैक्टिस। जैसे आपने अपने सेकंड वीडियो में आपको समझाया था, आपको प्रैक्टिस अपने लिए करनी है, अब आपको चारों के लिए करनी है। अगर आप जो काम कर रहे हो, मैं आप मेरे कौन हो, आई, सपोज कर लीजिए कि आप लिख रहे हैं, तो जब तक आप वो काम कर रहे हो आप बोलते रहो मनी मन, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर आपके सामने आपके पापा कुछ कर रहे हैं, पापा कौन है, ही, या पापा टीवी देख रहे हैं, अब देखने को क्या बोलते हैं, वॉच। मैं आपको ये वर्ड दे चुका हूं अपनी सेकंड वीडियो में, अब देखने को बोलते हैं वॉच, देख रहे हैं, काम चल रहा है, वॉच का क्या हो जाएगा, वॉचिंग। अब हम प्रैक्टिस करो, पापा कौन है, ही, तो पापा इज वॉचिंग, पापा इज वॉचिंग, पापा इज वॉचिंग, पापा इज वॉचिंग। वो मूवी देख रहे हैं तो पापा, या पापा इज वॉचिंग मूवी, या ही इज वॉचिंग मूवी, ही इज वॉचिंग मूवी, ही इज वॉचिंग मूवी। मम्मी खाना बना रही है, अब खाने को पकाने को बोलते कुक, पकाने को बोलते कुक, सी ओ के कुक। अब पकाने को बोलते कुक यानी कुक फूड, खाना पकाना। अब मम्मी खाना पका रही है, अब पका रही है तो कुक का क्या हो जाएगा, कुकिंग, आईजी आ जाएगी तो कुकिंग हो जाएगा। तो मम्मी या शी लगा दीजिए, शी इज कुकिंग, शी इज कुकिंग, शी इज कुकिंग। अब बहन आपकी गा रही है, अब बहन कौन है, शी, शी। अब गाने को बोलते सिंग, आईजी आ जाएगी तो शी इज सिंगिंग, शी इज सिंगिंग। इस तरीके से आपको आज शाम तक, कल दोपहर तक प्रैक्टिस करनी है। कल मैं फिर से आपके लिए अपनी एक नई वीडियो, इसी के आगे ये जो आपने पढ़े हैं ये आपके आंसर्स हैं। अब कल आपसे हम अपनी अगली वीडियो में इन्हीं के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद अपनी अगली वीडियोस में हम नेक्स्ट चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, और इसी तरीके से आगे हम आपको पूरी ब्रीथिंग नॉलेज देंगे और उसके आगे बहुत सारी स्टोरीज टॉपिक के ऊपर आपसे हम बात करेंगे। तब तक के लिए आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, और कल हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, तो तैयार रहिएगा। अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब कराइए, आपने भी अगर नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस को अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी आप इस चैनल का लिंक सेंड करिए, ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करके जो ये वीडियोज हैं उसको देख सकें, स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकें और लॉकडाउन का सही उपयोग कर सकें। यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय और शुभ हो। नाइस टू सी यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।